कर लिया, हमारा पता चल गया होगा, हम है जेल से भागे हुए सारे मोस्ट वांटेड, उन्हें ढूंढती फिर रही है पुलिस, और बाहर नहीं पाट रहा हमारा ना पाटे छाती के ममारा सीधे फेर लाड ले तेरे जिसे वाली तेरा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो चैंपियन से अंडरवर्ल्ड डॉन बने अजय गुजर पलवल के बारे में और भाई जी के बारे में। इनकी संपूर्ण बायोग्राफी, इनकी लाइफस्टाइल आपको बताएंगे, आखिर क्यों पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, कितने केस इन पे है अब तक, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो चैंपियन रह चुके हैं अजय गुजर और अब अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बने हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बदरपुर बॉर्डर से इन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं दोस्तों, अजय गुजर जिनकी उम्र 41 साल है, सत्येंद्र उर्फ सत्य के साथ मिलकर अंकित गुजर की मौत का बदला लेने के लिए तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की साजिश रची थी। तो दोस्तों इसके अलावा आपको बता देता हूं, अजय गुजर पर मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में रंगदारी के एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे, हत्या और हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, हमला, दंगा व आपराधिक धमकी और हथियार अधिनियम के तहत 2024 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आपको बता दूं इनके पास से 6 ऑटोमेटिक पिस्टल व 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अजय गुजर आपको बता दूं हरियाणा के पलवल के तुमसारा निवासी है और अंडरवर्ल्ड के 4 गैंगस्टर हाफिज बलूच, इकबाल इब्राहिम जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, सुभाष ठाकुर और आरिफ पठान छोटा शकील का बहनोई है। इसके साथ करीबी संबंध मिले हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। 2003 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया था। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के अनुसार अगस्त 2021 में एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था जिसमें सत्येंद्र उर्फ सत्य अपने सहयोगी अजय गुजर से बदला लेने के लिए गिरोह के एक बदमाश की हत्या को अंजाम देने के लिए AK-47 की व्यवस्था करने के लिए कह रहा था। इस कॉल में तिहाड़ जेल के एक अधिकारी से बदला लेने की बातचीत हुई थी। तिहाड़ जेल में दोनों के साथी अंकित गुजर की 4 अगस्त को मौत हो गई थी। मामले में अंकित गुजर के परिजनों ने तिहाड़ के अधिकारियों पर हत्या के आरोप भी लगाए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर मामला भी CBI में ये चल रहा है। ये ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद अजय गुजर लापता था। कई माह की जांच के बाद 6 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि अजय बदरपुर बस स्टैंड पर आने वाला है। ACP अतर सिंह की देखरेख में पुलिस टीम ने घेराबंदी की और अजय को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं दोस्तों, अजय गुजर को भाई जी के नाम से भी जाना जाता है और पुलिस ने बताया कि अजय गुजर हिंसात्मक प्रवृत्ति का है। अचानक उकसाव पर वह झगड़ने लगता है और वर्ष 2004 में मारपीट में उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया था। जेल में इसका आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मुलाकात हुई। बाहर आने पर वह रंगदारी मांगने लगा। अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले अजय गुजर के चचेरे भाई JP गुजर ने उसे मुंबई के एक खूंखार गैंगस्टर हाफिज बलूच के पास भी भेजा था। हाफिज बलूच ने साल 2008 में जुबेर पटेल उर्फ डॉन की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद हाफिज मुंबई से पलवल आ गया था और अजय गुजर और उसके चचेरे भाई JP गुजर के घर में रहा। बाद में अजय गुजर मुंबई चला गया और हाफिज के घर में रहा। अजय गैंगस्टर की जीवन शैली से काफी ज्यादा प्रभावित था और हाफिज बलूच ने उसे भाई जी का कोड नेम दिया। हाफिज ने ही अजय का परिचय दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कासर से करवाया। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अजय गुजर ने 2008 से 2018 के बीच हरियाणा और राजस्थान में व्यापारियों, डॉक्टरों, पार्षद, के 2 पूर्व मंत्री और उनके रिश्तेदारों सहित कई जाने माने लोगों से रंगदारी की मांग भी की थी। अजय गुजर ने ही हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के भतीजे शिवचरण लाल शर्मा, पलवल क्षेत्र के पार्षद चंडीराम गुप्ता पर वर्ष 2012 में जबरन वसूली के लिए गोली चलाई और 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 10 महीने पहले वह जेल से छूट कर आया था। अजय गुजर ने खुलासा किया है कि सुभाष ठाकुर ने उसे वर्ष 2018 में पलवल इलाके में बढ़ते रियल एस्टेट के कारोबार पर पैसा लगाने के लिए भी कहा था और अभी हाल ही में इसको जनवरी में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, अजय गुजर पलवल उर्फ भाई जी को। तो दोस्तों ये थी हमारी कास्ट वीडियो आज की अजय गुजर पलवल के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।